नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस को लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है, मैं आप सभी दर्शकों का, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारे चैनल के जो है पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं अभी 2 दिन पहले ही, और ये सब जो है आप लोगों के समर्थन से ही पूरा हो पाया है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप जो है हमारे वीडियोस को भी आगे भी जो है प्यार देते रहेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोविन एप्लीकेशन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट गवर्नमेंट लेकर आई है। कोविन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप से हो, या उमंग एप्लीकेशन से हो, या ये कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट से हो, अब जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जिनको भी जिनके पास पासपोर्ट है और जो विदेशी यात्राएं करते हैं, वो किस तरीके से सर्टिफिकेट के ऊपर अपने पासपोर्ट की जानकारी दर्ज करा सकते हैं, पासपोर्ट को ऐड करा सकते हैं, ये इसके लिए भी ऑप्शन ओपन कर दिया है। उसके लिए आपको अपने उस ऑफिशियल रजिस्टर नंबर से यहाँ पर लॉगिन होना होगा, जिससे आपने जो है वैक्सीन लगवाई है, और उस नंबर पर ही जहाँ आपका पहला स्लॉट लगा हुआ था, जहाँ आपको पहली वैक्सीन लगी है, जहाँ आपको दूसरी वैक्सीन भी लगने वाली है, या जिनको लग गई है, उन लोगों के लिए भी जो है, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ ये OTP इंसर्ट करने के बाद। ये OTP इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो और बनाया था, हम उसका भी आपको लिंक यहाँ आई बटन में दे देंगे, जिसमें कि हमने बताया था कि आप अपने जो आपको वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उस सर्टिफिकेट में कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई अगर गलती हो गई है आपके नाम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। वहीं पर अब जो ये जो रेज एंड इशू का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं। पहला है सर्टिफिकेट करेक्शन का, दूसरा है मर्ज मल्टीपल डोज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और तीसरा है ऐड पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पर जाने के बाद आप जो है अपने पासपोर्ट की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द सेम नेम इन योर पासपोर्ट एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसा होता है कि आपके पासपोर्ट में कोई और नाम दर्ज है, कोई अलग हम कह सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो, या जो भी गड़बड़ी, आपके दोनों फॉर्म अगर सेम नहीं होंगे, पासपोर्ट का और सर्टिफिकेट का, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप अपने पासपोर्ट को दर्ज कर लीजिए, इसके बाद जो है आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं आपके सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट में करेक्शन करने के लिए भी आपको रीज़न इशू पर जाने के बाद वहाँ पर जो है ईज़िली आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और ये करेक्शन जो है, जब आपका फाइनल सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जब आपके दोनों डोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें आपकी वो जानकारी सुधर कर जो है आ जाती है। आप यहाँ भी देखिए, मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी का पासपोर्ट नंबर यहाँ डालेंगे, इसके बाद आप अपना कंसेंट देंगे, और यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, और अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट में आप जो है अपने पासपोर्ट को भी यहाँ पर जो है उसकी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर काम आएगा जब आप विदेशी यात्राएँ करेंगे, वहाँ पर आपके वैक्सीनेशन पर आपके पासपोर्ट की जानकारी होगी, और आपके विदेश में जिस विदेश के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता होगा कि कौन सी वैक्सीन आपको लगी है, कब लगी है, कितने दिन हो गए हैं, तो इस तरीके की पूरी जानकारी जो है उस सामने वाले देश को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था कोरोना के लिए जो वैक्सीन लग रही है, कोविन एप्लीकेशन से संबंधित एक वीडियो, जिसमें कि जैसे जैसे नए अपडेट आ रहे हैं, हम उन अपडेट से जो है आपको यहाँ मिलवाते जाते हैं और बताते जाते हैं कि क्या क्या चेंजेस और क्या क्या अपडेट्स गवर्नमेंट करती जा रही है। उसी तरीके की वीडियोस हम लगातार बना रहे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों तक ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, इसी तरीके से अभी हम
आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें और कौन से टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए वीडियोस को यहाँ लेकर आना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।